Hello students, good morning. Today I am going to tell you your next exercise of chapter number 12, which is one Sunday. Students, इस chapter में हमें इस exercise में हमें क्या करना है, आप लोग example को पहले पढ़ो, फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं. तो पहले पढ़ लेते हैं question क्या हमारा. Sometimes when we talk about past events, the verb changes. Example, ate becomes ate. कभी कभी हम लोग पास्ट के बारे में बात करते हैं, मतलब पास्ट में घटित कुछ घटनाओं के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा वर्ब है उसके जो वर्ब जो होता है वो चेंज हो जाता है. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ईट का क्या हो गया, एट हो गया है. ऐसे ही सभी वर्ब्स का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होता है. आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, अभी हम लोग कुछ देख लेते हैं. तो फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स. हमें फिल इन द ब्लैंक्स कर इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है इन वर्ब्स का यूज़ करके जो बॉक्स में दिए गए हैं. कौन कौन से, वेंट, केप्ट, ड्रू. एग्जाम्पल देखिए क्या है, आई एम राइटिंग अ पोएम टूडे, आई रोट अ स्टोरी स्टरडे. क्या है, मैं आज एक पोएम लिख रहा हूँ और मैंने क्या कल एक स्टोरी लिखी थी. तो इसी तरीके से हम लोग आगे के ये जो तीन क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, इसे हमें कंप्लीट करना है. तो देखिए फर्स्ट है हमारा, आई एम ड्राइंग अ ट्री टूडे, मैं आज एक पेड़ बना रहा हूँ. माई ब्रदर ड्रू अ फ्लावर यस्टरडे, मेरे भाई ने क्या बनाया था, एक फ्लावर बनाया था कल. तो हमने यहाँ से हमें यूज़ करना है जो वर्ब दिया हुआ, तो ड्रॉ का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म ड्रू हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है हमारा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टूडे, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ. आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था. तो जो गो है, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, जो कि हमने फील किया हुआ है. थर्ड है हमारा, आई एम कीपिंग माई बुक्स इन द बैग टूडे, मैं अपने बुक्स को अपने बैग में रख रहा हूँ. यस्टरडे आई केप्ट माई पेंसिल्स इन द बैग, और कल मैंने क्या रखा था अपने बैग में, पेंसिल रखा था. तो ये कीप का जो सेकेंड फॉर्म है वो हमारा क्या हो गया, केप्ट हो गया. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से उन वर्ड्स का यूज़ करके हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है. एंड एक बार आपको इसे लर्न करना होगा कि किसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है. क्यों, क्योंकि अगर आप लोग लर्न नहीं करोगे तो आप लोग ड्रॉ का वेंट लिख दोगे, गो का कैप लिख दोगे, कुछ भी लिख सकते. इसलिए आपको मैं आप लोग को अच्छे से एक बार और रिपीट करा दे रही हूँ. ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म ड्रू होता है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, एंड कीप का केप्ट होता है, और एक देख सकते हो राइट का रोट होता है. तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, और भी आपको सेकेंड फॉर्म मिलेंगे तो उसे भी लर्न कर लीजिएगा. इसी तरीके से ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होगा. तब तक इसको अच्छे से रीड कीजिए एंड राइट कीजिए, क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, और अपने प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.